यूक्रेन के बीच जंग 7 महीने से जारी है। इस बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने G7 देशों से एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की थी। इसके बाद जर्मनी ने अपने 4 में से पहला आयरिस टी SLM अल्ट्रा मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन भेजा है। यूक्रेन डिफेंस मिनिस्टर ओलेकेंसी रेजनिकोव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। वाराणसी की ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी। एक बार फिर सर्वे कराकर शिवलिंग जैसी मिली ठोस संरचना की उम्र, लंबाई और चौड़ाई का पता लगाने की मांग की गई थी। इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिल्ली सरकार ने छठ पूजा के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। CM अरविंद केजरीवाल ने बताया कि इसके साथ ही बिजली बैकअप, एम्बुलेंस, वॉशरूम जैसी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली सरकार इस बार करीब 1100 घाट बना रही है जहां छठ पूजा आयोजित की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के प्रत्याशी और पार्टी सांसद शशि थरूर ने प्रदेश के पार्टी नेताओं के दोहरे व्यवहार को लेकर इशारों में नाराजगी जताई है। थरूर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मेरे प्रचार के दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष समेत बड़े नेता गायब रहते हैं, वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के कैंपेन के दौरान यही नेता उनके साथ बैठते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज चुनावी बॉन्ड योजना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई होगी। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने अदालत में याचिका दायर की थी। इसमें इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर तत्काल प्रभाव से रोक की मांग की थी। जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधित आतंकी संगठनों ने अपना चोला बदलकर ओवरग्राउंड गतिविधियां शुरू की हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे कुछ गुटों की चंदा उगाही और ऐसी रकम को आतंकवादियों तक पहुंचाने के रूट को पकड़ा है। कश्मीर घाटी में सुरक्षा एजेंसियों को PFI जैसा पैटर्न देखने को मिला है जो सीमा पर पाबंदी लगने के बाद बना था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले हिजाब को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि जिन पुरुषों का महिलाओं को देखकर मन मचलता था, उन्होंने ही महिलाओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया। जरूरत तो अपने मन को मजबूत करने की थी, लेकिन सजा महिलाओं को दी गई और उन्हें सिर से लेकर पांव तक ढक दिया गया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में सुबह करीब 5:28 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.8 मापी गई है। फिलहाल भूकंप से किसी भी तरह का नुकसान की खबर नहीं है। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। नए केस 2000 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 2678 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 2594 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 10 व्यक्ति की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 62.89 करोड़ हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 65 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12.80 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं।